स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वे विद यशपाल सिंह में। आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एक क्वेश्चन से कि आपके पास में 3 कंसेंट्रिक सर्किल है। फर्स्ट सर्किल ये, इसका सेंटर ये रहा, सेकेंड सर्किल इस तरीके से, और ये थर्ड। 3 स्फीयर है, सॉरी ये 3 कंसेंट्रिक क्या है, स्फीयर है। इस फर्स्ट स्फीयर का नाम दे दिया हमने ए, सेकेंड स्फीयर का नाम दे दिया बी, और थर्ड स्फीयर का नाम क्या दे दिया हमने सी। फर्स्ट जो स्फीयर है आपने इसकी रेडियस मान ली कि स्मॉल है, सेकेंड स्फीयर की रेडियस क्या मान ली स्मॉल बी है, और जो थर्ड स्फीयर है आपका इसकी रेडियस आपने क्या मान ली सी है। और यहाँ पे हमें देखने पे पता पड़ रहा है कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है किससे सी से। यानी फर्स्ट जो आपका स्फीयर है ए, उसकी रेडियस ए छोटी है सेकेंड स्फीयर की रेडियस बी से, और ये भी छोटा है सेकेंड थर्ड स्फीयर के जो रेडियस है सी से। ठीक है, फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज है उस पर हमने मान लिया कि ये क्यू ए है, और सेकेंड स्फीयर पे चार्ज क्यू बी है, और थर्ड स्फीयर पर चार्ज क्या है क्यू सी। फर्स्ट स्फीयर पे यदि चार्ज क्यू है तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा होती है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन क्या होता है एरिया। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्फीयर है तो चार्ज अपॉन 4π, यदि हम स्फीयर की रेडियस r ले लें तो 4π अपॉन r स्क्वायर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे देखें तो फर्स्ट स्फीयर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, कैसी है प्लस सिग्मा, और सेकेंड स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा, और थर्ड स्फीयर की वापस कैसी है प्लस सिग्मा। ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में कि 3 कंसेंट्रिक सर्किल है जिनकी रेडियस ए बी सी है, तीनों सरफेस की तीनों स्फीयर्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली है। देन फाइंड द एंड, एक चीज और दे रखी है कि पोटेंशियल ए सर्किल के ऊपर जितना पोटेंशियल है, मान लिया कि सर्किल ए पे पोटेंशियल कितना है वी ए है, वो किसके इक्वल है सी, आपका जो ये स्फीयर है, सर्किल बोल रहा हूँ मैं बार बार, स्फीयर है अपने यहाँ पे 3D बॉडी है, तो ए स्फीयर का जो पोटेंशियल वी ए है और सी जो स्फीयर है हमारा इसका जो पोटेंशियल है वी सी, वो आपके इक्वल दे रखा है। तो हमारे क्वेश्चन में हमको दे रखा है गिवन फर्स्ट थिंग तो कि पोटेंशियल किस पे स्फीयर ए पे कितना जितना है उतना का उतना ही पोटेंशियल किस पे है सी पे, ये हमारे को एक चीज़ गिवन है यहाँ पे। और हमसे पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, मतलब इन तीनों स्फीयर की जो रेडियस है इनमें हमारे को क्या करना है एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, तो हमको जो गिवन होता है उसी से हम लेके चलेंगे, लेकिन उसको लेके चले उससे पहले एक चीज यहाँ पर कर लेते हैं कि सिंस यहाँ पर क्यू ए कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से देखें तो चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना है 4π r2। तो यहाँ पे यदि हम स्फीयर ए के चार्ज की बात करें तो वो हो जाएगा प्लस सिग्मा, क्योंकि स्फीयर ए की चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, इंटू एरिया, देखो एरिया कितना हो जाएगा 4π r2 नहीं होगा, इसकी रेडियस कितनी है ए है, तो ये हो जाएगा 4π a2। इसको आप दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप क्यू बी निकाल लें तो क्यू बी यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिग्मा, ध्यान से देखें सेकेंड स्फीयर जो है आपका बी, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस है, तो माइनस सिग्मा इंटू 4π b2, ये इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली क्यू सी आप निकालेंगे तो प्लस सिग्मा इंटू 4π c2, और ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 4। नाउ पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए, पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए, पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए कितना होगा वी ए। अब ध्यान से देखिए आप, आपका स्फीयर ए जो है ये आपका सबसे इनर मोस्ट स्फीयर है, और इस पर यदि आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो इस पर पोटेंशियल किस किस चार्ज के कारण आ सकता है, तो एक तो इसके ऊपर कितना चार्ज है क्यू है इसके कारण आएगा, साथ ही क्यू बी के कारण भी यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा, और क्यू सी के कारण जो जितने भी चार्ज हैं उन सब का स्फीयर ए पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। इसका मतलब वी ए जो है
पोटेंशियल वो किसके कारण आ सकता है, एक तो के क्यू ए अपॉन डिस्टेंस कितनी है उसकी ए, भाई यहाँ से यहाँ तक स्पीयर ए से डिस्टेंस कितनी है इसकी, स्पीयर ए से क्यू ए चार्ज वाले स्पीयर की डिस्टेंस ए है, ये रेडियस ए है, तो हमने लिख दिया के क्यू ए अपॉन प्लस, अब क्यू बी के कारण देख रहे हैं तो क्यू बी जो चार्ज है आपका उसका स्पीयर है सेकेंड नंबर और इसकी डिस्टेंस कितनी है बी, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से हमने लिख लिया के क्यू सी तो नीचे क्या आ जाएगा सी, तो इनर मोस्ट स्पीयर पे तीनों चार्ज के कारण जो टोटल पोटेंशियल होगा वी है वो इसके इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्यू ए क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू हमारे पास गिवन, इसको आप चाहे तो यहाँ पुट कर सकते हैं, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में इसको हम पुट करेंगे। तो हम हमारे लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई ये इक्वेशन वी ए जो आ गया हमारे पास यहाँ पे लिखने के लिए, ये कितना आ गया, इतना आ गया, और इसकी इक्वेशन नंबर ये क्या होगी फिफ्थ इक्वेशन ये होगी हमारे पास। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो ए स्पीयर है ये इनर मोस्ट है, सबसे अंदर है, तो इस पर जो पोटेंशियल होगा वो तीनों चार्ज के कारण होगा, और तीनों चार्ज की डिस्टेंस इस स्पीयर से अलग अलग है, इस स्पीयर के सेंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यू ए चार्ज कहाँ है इसके सेंटर पे ही है, तो इस पूरे स्पीयर पे जितना पोटेंशियल होगा तीनों चार्ज के कारण होगा, और डिस्टेंस तीनों की अलग अलग लेनी है, भाई ए के लिए ले रहे तो ए, क्यू बी के लिए ले रहे तो बी, और क्यू सी के लिए ले रहे तो सी आपको लेनी। लेकिन बट ना सिमिलरली हम यहाँ लिखे कि सिमिलरली पोटेंशियल एट स्पीयर सी, स्पीयर सी पे कितना पोटेंशियल होगा, तो हम बात कर लेते हैं कि भाई स्पीयर सी पे कितना पोटेंशियल है, वी सी है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्पीयर सी आपका आउटर मोस्ट स्पीयर है, और इस आउटर मोस्ट स्पीयर पे जो पोटेंशियल होगा होगा तो तीनों चार्ज के कारण, लेकिन पोटेंशियल होगा कहाँ, यहाँ पर। तो अब डिस्टेंस जो आएगी इस वाले चार्ज के लिए वो भी कितनी आएगी, पूरी सी आएगी, क्यू बी के लिए भी डिस्टेंस कितनी आएगी, पूरी सी आएगी, और सी के लिए तो वो तो क्यू सी तो वहीं के वहीं है, तो डिस्टेंस जो होगी टोटल, यानी मैं यहाँ पर यदि ऐसे लिखूँ कि के क्यू ए अपॉन ए लिखना चाहूँ तो ए यहाँ पर नहीं आएगा अब, क्योंकि आपका जो थर्ड स्पीयर है वो क्या है आउटर मोस्ट है, तो जो टोटल पोटेंशियल है वो आपका इस पॉइंट पर निकल रहा है, तो ये टोटल रेडियस सी आपको हर जगह लेनी पड़ेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू के क्यू ए अपॉन सी प्लस के क्यू बी, फिर डिस्टेंस क्या आएगी सी, फिर प्लस के क्यू सी अपॉन वापस सी, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि स्पीयर सी इज आउटर मोस्ट, स्पीयर सी इज आउटर मोस्ट स्पीयर इन द सिस्टम, ये जो सिस्टम है तीन स्पीयर का इसके अंदर स्पीयर सी आउटर मोस्ट है, इसलिए जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ पे तीनों के लिए क्या आएगी सेम आएगी। और यही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस क्वेश्चन को जो फ्रेमिंग की गई है वो इसलिए की गई है कि एक बार तो इनर मोस्ट में आपको डिस्टेंस इनके अकॉर्डिंग लेनी है स्पीयर के लिए, लेकिन आउटर मोस्ट के लिए आपको डिस्टेंस क्या लेनी है सी सी ही लेनी है। अब आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन वन हमें कह रही है कि वी ए बराबर क्या है वी सी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सिक्स ले लेते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो रेडियस के अंदर रिलेशन आने वाला है एबीसी में वो आंसर आ जाएगा। सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क का था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि बाहर वाला यदि आप स्पीयर ले रहे हैं तो आपको जो हर एक चार्ज से डिस्टेंस लेनी है वो सेम लेनी है, अंदर वाला स्पीयर आप ले रहे हैं तो हर चार्ज के लिए डिस्टेंस कैसी आएगी अलग अलग आएगी। तो हम इक्वेशन वन में फिफ्थ और सिक्स्थ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन वन, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो वी ए नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, तो वी ए बराबर है वी सी, तो वी ए कितना है हमारे पास के क्यू ए अपॉन ए प्लस के क्यू बी अपॉन बी प्लस के क्यू सी अपॉन सी बराबर वी सी, वी सी कितना है एलसीएम ले सकते हैं इसमें अपन सी सी, या मत लो एलसीएम ऐसे ही रहना, तो के क्यू ए अपॉन सी प्लस के क्यू बी अपॉन सी प्लस के क्यू सी अपॉन सी, तो देखो के क्यू सी अपॉन सी से के क्यू सी अपॉन सी तो डायरेक्टली क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो के कॉमन निकल रहा है, इधर भी के कॉमन निकल रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया क्यू ए अपॉन ए, क्यू ए अपॉन ए प्लस क्यू बी अपॉन ये बी
बराबर क्यू ए अपॉन सी प्लस क्यू बी अपॉन सी। कोई दिक्कत इसमें? क्यू ए क्यू बी की वैल्यू रख दीजिए, के तो कैंसिल हो गया, कॉमन निकल। क्यू ए की वैल्यू कितनी थी? सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर अपॉन ए। क्यू बी की वैल्यू कितनी थी? माइनस सिग्मा इंटू फोर पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। याद करो इस फॉर्मूले से कि क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो यदि हम क्यू ए की बात कर रहे हैं तो रेडियस किसकी आएगी? उसकी ए स्क्वायर ही आएगी, और बी की बात कर रहे तो बी स्क्वायर आएगी, और नीचे तो लिखा हुआ ही है ए बी। इधर भी आप ऐसे ही कर लीजिए, तो सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर अपॉन सी, और माइनस देखो ये प्लस माइनस बाद में जाके माइनस ही होना, तो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ यहाँ। मैं चाहूँ तो यहाँ प्लस लिख के इसको माइनस में लिख सकता हूँ, लेकिन बाद में होना जाना क्या है वो माइनस ही, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख के चल रहा हूँ, सिग्मा इंटू फोर पाई ए बी स्क्वायर अपॉन सी। क्योंकि बी स्फीयर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है? नेगेटिव है। तो देखो बेटा क्या कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, और तो कुछ कटा नहीं। इधर देखें तो सिग्मा को देखो, ये सिग्मा सिग्मा यहाँ से कॉमन निकल रहा है, फोर पाई कॉमन निकल रहा है ना। तो हमारे पास ये लास्ट में रिजल्ट क्या बच रहा है, यहाँ से हम ध्यान से देखें तो देखो फोर पाई सिग्मा निकल के इधर से फोर पाई सिग्मा से कट जाएगा। तो यहाँ बचना है हमारे पास ए, यहाँ टोटली क्या बचना है हमारे पास ए, और यहाँ क्या बचना है बी, दिखाई दे रहा है। और इधर क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन सी, और उधर बचेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। आप एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लेंगे तो सी एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप इसको आगे लिखेंगे तो आपको दिख गया होगा आंसर, ये कैंसिल हो गया, ए माइनस बी उधर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और अपॉन में क्या आ गया? एलसीएम, ठीक है ना। इसको मैंने डायरेक्ट खोल के लिख दिया, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो ये सी कहाँ आ जाएगा? ऊपर, यहाँ वन बचा है, तो हमारे पास आंसर आ गया सी बराबर ए प्लस बी। यानी ये जो थर्ड स्पीयर है इसकी जो रेडियस है सी, ये पूरी रेडियस, ये इस दोनों जो अंदर वाले स्पीयर है उन दोनों की रेडियस के सम के इक्वल है, इट इज अ रिलेशन ये। तो जब थर्ड स्पीयर की रेडियस दोनों स्पीयर की रेडियस के सम के इक्वल होती है, तब आपके फर्स्ट स्पीयर और थर्ड स्पीयर का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? सेम होता है। लेकिन यह कंडीशन है कि उस समय फर्स्ट स्पीयर का जो चार डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा होनी चाहिए, सेकेंड की माइनस सिग्मा, और थर्ड की प्लस सिग्मा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसको हमने सीखा। इस तरीके से क्वेश्चन और आएंगे आपके, तो आप और करें इनको, कोशिश करें करने की। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिलेशन किसमें निकालना है? ई वेक्टर एंड वी में। V यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप E और V लिख दें, वेक्टर बोले नहीं मत लगाओ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो E और V में हमको क्या करना है? रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं कि वापस वही माने कि यहाँ पर कोई O पॉइंट है स्पेस में, और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, और इससे यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम P मानना करते थे हमेशा ही। तो मैं यहाँ पर इसको A पॉइंट मान लेता हूँ, और एक पॉइंट और है यहाँ पे बी पॉइंट। अच्छा, ये जो ए पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है इससे वो कितनी? आर है, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी आर है। अब यहाँ पे मेरे को कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकालना नहीं है कि मैं ए बी के अलावा पी पॉइंट और मानूंगा आर डिस्टेंस, ऐसा नहीं करना है, बस सिंपली इसमें हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज
कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, और भी ए पॉइंट इससे आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और बी पॉइंट इससे डी आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। यहाँ कोई चार्ज पड़ा है क्यू, जिसको आपको उठा के कहाँ लाना है, ए पे लाना है, यानी आपको डी आर डिस्प्लेसमेंट देना है। और इसके अगेंस्ट में क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यानी आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कराना है, यानी आपको कुछ वर्क करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द इन दिस केस, या ऐसा लिख देते, द स्मॉल वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट या फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर इज गिवन बाय देखो कैसे लिखेंगे इसको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर फोर्स लग रहा है वेक्टर डॉट, कितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, डी आर वैक्टर। यहाँ थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आपका, इधर, और फोर्स कहाँ लग रहा है, उधर। देखते हैं इसको, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। थीटा आपको गिवन है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर होते, 180 डिग्री होगा। आगे लिखे बेटा इसको, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ डी आर शॉर्ट, वैसे फुल फॉर्म में लिखे तो एफ डी आर कोस थीटा, थीटा 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कोस में, -1। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डी आर माइनस में। अच्छा एक चीज़ और जानते हैं हम कि एफ बराबर क्या होता है, सॉरी ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला है ये। तो हम इसे लिख सकते हैं कि भाई क्यू को इधर इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई। तो मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं कि डी डब्ल्यू बराबर क्या है, माइनस क्यू ई और ये डी आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस फोर्स को बदल सकते हैं ना क्यू इंटू ई में। अरे ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ बराबर क्या होगा, क्यू ई, और यहाँ पुट करते ये क्या आ गया, क्यू ई डी आर। और बदलो इसको तो हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू बराबर माइनस का ई डी आर। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर। तो हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, उसमें भी कुछ ऐसा ही किया था, बट प्रोसेस थोड़ा सा वहाँ अलग था। या हमें रिलेशन निकालना है ई और वी में, तो हमने क्या किया, बस वही स्मॉल वर्क डन निकाला है, थीटा 180। नई चीज़ क्या है, एफ को किस में रिप्लेस कर दिया, एफ को किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों, क्योंकि मुझे वी और ई में रिलेशन निकालना है, तो ई तो चाहिए मुझे, तो एफ को किस में बदल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मेरे पास ई आ गया। अब रिलेशन निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है, हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ड्यू टू, या आप इसमें लाइन से ही लिखना, सिंस यहाँ पे आगे चलो, ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, कि वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। भाई इस जगह पे पोटेंशियल और इस जगह पे पोटेंशियल का डिफरेंस, इस पे पोटेंशियल वी बी, इस पे पोटेंशियल वी ए, यानी यहाँ पे वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैं कह दूँ कि वी ए माइनस वी बी जब घटा रहे हैं हम, तो ये बहुत ही कम पोटेंशियल मिल रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, वर्क बहुत कम करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा, बहुत कम आएगा। तो मैं कह दूँ कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है, ये तो डी वी है, कितनी है, डी वी है। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेफिनेशन कहता है कि वी बराबर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी डी वी बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यहाँ हमारे को डी डब्ल्यू अपॉन क्यू दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर टू देके हम इसको रिप्लेस कर दें, डी वी को रिप्लेस कर दें किसकी जगह, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू की जगह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से हमें मिल गया कि डी वी बराबर किसके है, माइनस ई डी आर के।
डी वी बराबर किसके है, माइनस डी ई डी आर के, और यहीं से हमारे को रिलेशन मिला कि ई बराबर कितना है, माइनस डी वी अपॉन डी आर है। देख लो आप, माइनस को इधर ले आओ, डी आर को नीचे ले आओ, तो ई बराबर कितना आ गया, माइनस डी वी अपॉन डी आर है। और दिस इज द रिलेशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन है। और इसी के आधार पर हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन देखेंगे अभी, यहाँ तक आपने किया, अब आगे चलते हैं। देखो रिलेशन तो हो गया, अब इसके दो चार नोट्स, इसके क्या इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो आसान डेरिवेशन है, आता है दो नंबर का, काफ़ी बार पूछा गया है, आपको आना चाहिए ये। तो देखो यहाँ पर E बराबर क्या आया हमारे पास, माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ पर ये डी वी बाई डी आर क्या चीज़ है, फर्स्ट थिंग तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेक्टर है तो इसको वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे। दो चीज़ हमारे दिमाग में ये आ रही है कि भाई एक तो ये डी वी बाई डी आर क्या चीज़ है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इधर वाले को तो वेक्टर लगा देंगे, इधर इसको कैसे लिखेंगे। तीसरी चीज, ये E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है। तो तीनों चीज के आंसर अपन लेते हैं। सबसे पहली बात, डी वी बाई डी आर यहाँ क्या चीज़ है, तो ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहलाता है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहलाता है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहला रहा है, इसका मतलब यहाँ पे V तो पोटेंशियल है, तो ये ग्रेडियंट नाम की चीज़ कौन है, डी बाई डी आर है। ये डी बाई डी आर यहाँ पर क्या चीज़ है, ये ग्रेडियंट है। और बेटा ध्यान रखना, ये वेक्टर है तो आपका ये ग्रेडियंट भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वैसे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल का यदि ग्रेडियंट निकाला, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहली चीज़ तो डी बाई डी आर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरी चीज़, वेक्टर नोटेशन कैसा आएगा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी आर वी, और डी पे क्या लगा दिया मैंने, वेक्टर, और ये माइनस का सिंबल। इन वेक्टर नोटेशन इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस बिकॉज डी बाई डी आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये ग्रेडियंट होता क्या है, तो 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या था, कि जब टेम्परेचर का डिस्टेंस के साथ में चेंज आ रहा हो किसी भी चीज़ का, या चीज़ पोटेंशियल है तो इसका चेंज किसके साथ आ रहा है, आर के साथ। आर क्या है, डिस्टेंस। तो कोई चीज़ जब डिस्टेंस के साथ बदलती है तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। वो चीज़ आर के साथ यदि चेंज आ रहा है, डिस्टेंस के साथ चेंज आ रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ ले क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि द चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, द चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी वी बाई डी आर। यानी ये यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब इसका इस पूरे एक्सप्रेशन देखो, तीन चीज मैंने बताई, पहली चीज तो डी बाई डी आर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दो चीज, वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट आपका कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेडियंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या है, ये भी वेक्टर। तीसरी बात, ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यदि किसी पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका डायरेक्ट मतलब हम जैसे समझे कि ये चार्ज क्यू था और इस चार्ज से आप जैसे जैसे दूर जा रहे थे, आप दूर जाते हैं, आर बढ़ता है, आर बढ़ता है, वी घटता है। आर बढ़ता है तो क्या होता है, वी घटता है। तो जैसे जैसे आर बढ़ता है वैसे वैसे वी घटता है। वी बराबर के क्यू बाई आर से सीखा था, वी बराबर के क्यू बाई आर से हमने सीखा था कि जैसे जैसे दूरी जाएंगे इस चार्ज से, जितना दूर जाएंगे इस चार्ज के पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। ये डी वी बाई डी आर किसको बता रहा है, आर के साथ में पोटेंशियल के चेंज को। माइनस यहाँ ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ेगी आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डी वी बाई डी आर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल की वैल्यू आर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय कैसा होगा, एकदम स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट का मतलब
जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, उस डायरेक्शन में होगी जिधर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि हम यदि यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो यही तो है ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट दूर जाने पर यदि डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, जिधर आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो इट इज इस एक्सप्रेशन का ये इम्पोर्टेंस है या ये मीन है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके रिलेशन बिटवीन ई एंड डी आर। अब यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं अपन। ये तो इसका हो गया कि अब ग्रेडियंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा ग्रेडियंट क्या होता है, तो ग्रेड डीएंट को मैं पॉइंट लगा दूं ग्रेड, तो इस ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, किसे करते हैं, डेल उल्टा डेल। देखो डेल तो ऐसे लिखते हैं डेल्टा, और ये है आपका उल्टा डेल, यानी ग्रेडियंट आपका इस तरीके का सिंबल से बनेगा। और इसी ग्रेडियंट को आप किस प्रकार, क्योंकि अब आप ध्यान से समझ लेना क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि ग्रेडियंट को कैसे बदले। आपको dv बाई डी आर पता है, लेकिन आपको क्या पता है dv बाई डी एक्स, आपको अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। तो अब आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो समझ जाएंगे। ग्रेडियंट को ऐसे लिखते हैं और लिखते हैं ऐसे, डेल बाई डेल एक्स आई केप प्लस डेल बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप। ये तरीका है लिखने का ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट किसका निकाल रहे हैं, पोटेंशियल का। तो ग्रेड पोटेंशियल, ग्रेडियंट किसका निकाल रहे हैं, पोटेंशियल का। ये किसका पोटेंशियल आ गया, ये पोटेंशियल आ गया ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप इस तरीके से लिखे, मतलब ऐसे ही लिखा जाए डीवी बाई डी आर, कोई जरूरी नहीं है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, डीवी बाई डी आर को ऐसे भी, और माइनस लगा दूं मैं उसके हिसाब से, तो माइनस के हिसाब से ये माइनस ग्रेड वी, ये माइनस ग्रेड वी, और ये माइनस। अब देखो आई केप जे केप के केप किसको बता रहा है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी को। तो यहाँ वेक्टर लगाओ, यहाँ वेक्टर लगाओ, और यहाँ पे वेक्टर। तो ये एक इम्पोर्टेंट तरीका हो गया लिखने का, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कि ग्रेडियंट को और कितनी तरीके से लिखा जा सकता है। अब दूसरी बात कि हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उस एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि हमारे को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल वन, कि जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, v बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस या 2y प्लस 1। ओके, आपका पोटेंशियल x और y वेरिएबल में दे रखा है, और ये पोटेंशियल किसी पॉइंट पर है, एट पॉइंट इन द स्पेस, एट पॉइंट ए, और उस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने, x और y है। x और y कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल कितना है, x और y पॉइंट पे, x और y कोऑर्डिनेट पे एक पॉइंट है p, या p की जगह a ले रखा है मैंने a, और उस पर पोटेंशियल कितना v है, इतना है। ये आपको गिवन दे रखा इक्वेशन नंबर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पोटेंशियल से क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे आप क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। और साथ में एक चीज और कि पॉइंट, सेम पॉइंट, अब ये जो है इसके कोऑर्डिनेट भी आप ले लो, कि ये तीन और माइनस दो है, कितना, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तीन और माइनस दो, ये इसने आपको गिवन दे दी। इज दैट क्लियर। मुझे यदि देखना होता है इसको कैसे करूं, तो मुझे यहां पर दिख रहा है एक्स और वाई, तो मैं वैसे नॉर्मली फॉर्मूला जानता हूं कि ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है, लेकिन यहां मेरे पास आर थोड़ी है, यहां मेरे पास एक्स और वाई। आर का तो अलग चीज है ना, आर एक आपका पोजिशन वेक्टर है, लेकिन अभी आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे, तो ऐसे तो ये काम करेगा नहीं। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लेता ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो फिर वाई का क्या करूंगा, कोई काम कर, ऐसा लिख दूं ई बराबर माइनस डी वी बाई डी वाई, तो फिर एक्स का क्या करूंगा, यानी मेरे को पोटेंशियल का चेंज जो है वो एक्स के साथ भी कराना है और वाई के साथ भी कराना है,
यदि मुझे ऐसा कह देता कि ये v जो था वो ऐसा होता v बराबर 3r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, तो कोई दिक्कत नहीं थी, इससे हो जाता, क्योंकि मेरे पास r में फंक्शन आता, मैं r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता उसका, और डिफरेंशिएशन जब कर देता तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता। लेकिन मेरे को ऐसा दे ही नहीं रखा, मुझे किस में दे रखा है, x और y में, और z भी ले लो, लो एक और z ले लेते हैं, और कोऑर्डिनेट ले लो यहाँ पे z, क्या फर्क पड़ता है, एक और लगा दो इधर जीरो, z कोऑर्डिनेट कितना है जी, 3D में इसको अपन चेंज कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाए, ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें x भी आ रहा हो, y भी आ रहा हो और z भी आ रहा हो, r से काम नहीं चलेगा। देखो d बाई डी आर को अपन किस में बदल सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला जहाँ x भी आ रहा हो, y भी आ रहा हो, z भी आ रहा हो, यानी ये फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो भी किससे, पोटेंशियल। अच्छा आपका दिमाग में एक चीज और बता और समझा दूं, कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ, कि यदि x वाई होता, z नहीं होता, तो फिर आधा ही लेते क्या, नहीं नहीं भैया आधा नहीं, लिखना फॉर्मूला पूरा है, लेकिन यहाँ पे जेड का यदि कोई फंक्शन नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो वो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, तो उस समय आपको लेना तो पूरा है, लेकिन इस डी बाई डी जेड, डेल बाई डेल जेड, इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू उस समय कैसी आएगी, जीरो आएगी, क्लियर। तीसरी चीज, एक्स एक्स में ही दे रहा होता, फंक्शन ही ऐसा होता वी बराबर 3x² ओनली, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला, फिर क्या इससे हो जाता, तो 100% इससे ही हो जाता, आपके जब x ही है तो x में सीधा इससे, लेकिन आप बोल रहे कि नहीं मैं तो इससे करूंगा, तो इससे कर सकते हो, आंसर आपको इसमें ही मिलेगा, y और z के अकॉर्डिंग उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसा होगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले से आपका टोटल आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा चेक करते हैं, अपन ने तीनों में ही ले रखा है, दो में आ जाए, दो वेरिएबल में आ जाए, एक वेरिएबल में, तब भी आप इसको अप्लाई करें, और इसको कैसे करेंगे, ये अलग टाइप का डिफरेंशिएशन है, ये सिंपल डी बाई डी एक्स एक फाइनाइट डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसको अब यूज करना हम सीखेंगे कैसे होता है, ये मिटा दूँ इस चीज को, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, आर में थोड़ी है एक्स में, तो मैं लिख सकता हूँ ई बराबर कितना है, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वी आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई v j cap प्लस डेल अपॉन डेल जेड v k cap, ये वाला फॉर्मूला मैंने रख दिया कि e बराबर, ये e के बराबर है ना, e बराबर माइनस, तो e बराबर ये आ गया, वेक्टर लगा दो, वेक्टर लगा दो। अब आपका काम क्या है, v की वैल्यू को यहाँ पुट करना, v की वैल्यू कितनी है, 3x² प्लस 2y प्लस जेड, यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, और फिर यहाँ रखो, जब इतना बड़ा बड़ा रखेंगे तो बोर्ड ही छोटा पड़ जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपन इसको रखने की जगह इमेजिन करते हैं कि ये यहाँ आ गया, और जब ये चीज़ यहाँ आ गई तो x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखो इस वाले डेल वाई डेल एक्स का जो मतलब होता है वो क्या है, कि ये वाला ऑपरेटर सिर्फ x x की चीज़ पर ही ऑपरेट करेगा, यानी y और z इसके लिए टोटली क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसके पीछे मैं आपको एक डिफरेंस सिखाऊँ कि जैसे मेरे को d बाई डी एक्स करना होता, बेटा ध्यान से समझना इसको, कि डेल बाई डेल एक्स की जगह मुझे क्या करना होता है, डी बाई डी एक्स, और किसका करना होता, 3x² प्लस वाई 2y प्लस जेड का ही, देखो इसी का ही डिफरेंशिएशन करता मैं फाइनाइट वाला, तो कैसा आता, 3 बाहर आ जाता, x² का हो जाता 2x, ठीक है, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर होता, ये हो जाता डी वाई बाई डी एक्स, प्लस जेड अकेला है तो डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे होता, कौन d बाई डी एक्स, लेकिन ये कौन है, डेल बाई डेल एक्स है। तो अब यहां पर जब अपन डेल बाई डेल एक्स करना चाह रहे हैं तो ये ऐसे होगा, देखो 3x² प्लस 2y प्लस जेड इसका करना है, तो 3x² के साथ तो वही 3 बाहर आ जाएगा 2x, लेकिन अब ये 2y पूरा का पूरा इसके लिए क्या है, एक तरह का कॉन्स्टेंट है, इसके लिए जीरो होगा, जबकि उधर कितना आ रहा है 2 into dy/dx, यहाँ डेल बाई डेल एक्स के लिए ये y और z से कोई लेना देना नहीं, इसको x से मतलब, तो ये पूरा का पूरा जीरो, और जेड भी क्या हो जाएगा, तो फिर जीरो। इसी तरीके से जब आप यहाँ रखेंगे डेल वाई डेल वाई, तो अब इसके लिए इस ऑपरेटर डेल वाई डेल वाई के लिए एक्स और जेड तो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, तो उसके लिए जीरो, और सिर्फ वाई के लिए डिफरेंशिएशन करेगा। सिमिलरली जब इस पूरे को यहाँ रखेंगे तो सिर्फ जेड को ऑपरेट करेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से करना है इसको। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि पूरा वी आपका यदि एक में ही आ रहा है तब तो आपको इसी से काम है, ये दोनों तो जीरो हो जाने, क्योंकि x x पे करेगा, y y पे करेगा, z z पे ऑपरेट करेगा,
तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये कैसे होगा मिटा देता हूँ उसको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा माइनस, तो बाहर ही है, वी की वैल्यू यहाँ रखी, तो वी में मुझे एक्स का ऑपरेटर है तो एक्स की चीज़ देखनी, तो कितना आ गया 3, तो ऐसे, और 2x 3 × 2x, और बाकी क्या हो गया 0 + 0, बाकी का क्या हो जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, x के रिस्पेक्ट में 0, और ये क्या हो गया i cap लिखा हुआ है प्लस। अब v को यहाँ रखो बीच में और y के सापेक्ष करो, तो x 0 z 0 इसका बचेगा तो 2 आ गया, और y का क्या बन जाएगा डेल y / डेल y 1, तो ये 1 और ये आ जाएगा j cap प्लस ये j cap, समझ में आ रही है। थर्ड आप यहाँ रख दीजिए, v को आप पूरे को उठा के यहाँ रखें, तो x के साथ में डेल y डेल z 0, y के साथ फिर 0, z का आप करेंगे डेल z / डेल z 1, तो आपका आ जाएगा 1 और ये k, यानी आपके पास फॉर्मूला जो आया वो इस तरीके से आया, 6x i cap + 2 j cap + 1 k cap। तो अब इस फॉर्मूले को तो मिटा देते हैं नीचे और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई वेक्टर में, -6x i cap + 2 j cap + k cap, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x माइनस, जब बाहर ही रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, बाद में कर दें। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास आ गया टोटल उस पॉइंट ए पर, लेकिन ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 - 2 और 0, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब ए पॉइंट पे कितना होगा, ए पॉइंट के एक्स वाई जेड हमको पता है, तो यहाँ लिख दो एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड, एक्स की जगह कितना लिखना है 3, y की जगह -2 और z की जगह 0, लेकिन y और z तो है ही नहीं, अपन को सिर्फ पुट क्या करना है x को, हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन में x ही है, y z तो कहाँ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6 × x की जगह कितनी है वहाँ 3 i cap + 2 j cap और + k cap, तो देखो y z तो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो माइनस का 18 i cap, माइनस का 2 j cap और माइनस का k cap, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हूज कोऑर्डिनेट्स आर 3 - 2 और 0। तो ये देखो इसकी एप्लीकेशन, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है आपसे कि पोटेंशियल यदि आपको गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे इस पॉइंट में, तो आपको ये आना चाहिए। तो इस रिलेशन के पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चन छुपा है, वो आपको आना चाहिए करना, साथ ही आपको रिलेशन डिराइव करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो खुद अकेला ही 2 नंबर का है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये टोटल चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर टोटल 7 नंबर के हैं, और यदि आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं तो 5 नंबर तो आपके वहाँ से आ जाने हैं। अब सिर्फ 2 नंबर के लिए अपन इस चैप्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 2 नंबर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर अगला जो टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस उसमें से आए। तो चलो आगे चलते हैं अपन, अगला टॉपिक हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो ये टॉपिक हालांकि ये जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमने जब स्पीयर्स बनाए थे, अभी एक हमने कंसेंट्रिक स्फीयर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया बिना ये जाने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही आ जानी चाहिए, लेकिन अभी हम इसको अब पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में इस समय ही आती है। चलो ये होता क्या है कि ऐसा सरफेस, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसकी डेफिनेशन, इसकी डिफाइन पूछता है, इसकी प्रॉपर्टीज पूछता है, साथ ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा, लाइन चार्ज के लिए कैसा बनेगा, किसी प्लेन शीट के लिए कैसा बनेगा, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज का पेयर है तो उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में छुपे हुए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे मैक्सिमम बन सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी डेफिनेशन, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सरफेस यानी एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, सेम है, ऐसा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो डिफाइन करना बड़ा आसान, अ सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
द सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो इसकी एक डिफाइन और, ये तो फर्स्ट डिफाइन, डिफाइन नंबर वन। डिफाइन नंबर टू, अ सरफेस एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन एनी टू पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। क्या कह रहा हूं मैं, अ सरफेस, देखो ये डिफाइन लिखाने के पीछे दो दो तीन तीन डिफाइन में यहां पे लिखाऊंगा इसकी आपको, इसके पीछे ये नहीं कि आपको रटवाना है मुझे, मुझे आपको इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो खास क्वालिटीज़ हैं, खास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको इन डिफाइन में ही समझा देना है, ताकि आप जब इसके प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए आए तो आपके एक एक प्रॉपर, एक एक डिफाइन आपकी इसकी एक एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो अ सरफेस एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड डिफाइन, अ सरफेस एट विच The work done required to move a unit charge from any point to other point at that surface। हिंदी में भी मैं आपको अभी समझा दूंगा इसको, इज जीरो देन दिस सरफेस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब देखो तीन डिफाइन हमारे पास ये आ गई है, इसको एक ही बार में एक चित्र से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफाइन क्या कह रही है, पहले मैं चित्र बनाऊं, जगह ही नहीं है मेरे पास, तो पहले मैं इसको हिंदी में समझा दूं, उसके बाद इसको मिटा लेते हैं और फिर अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में कैसा, ऐसा पृष्ठ, सरफेस मतलब पृष्ठ जिस पर, तो भाई ऐसा पृष्ठ जिसमें पोटेंशियल यानी कि विभव, ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, ऐसा जो पृष्ठ है वो सम विभव पृष्ठ कहलाता है। देखो इक्वी का मतलब क्या हो गया सम, पोटेंशियल का मतलब विभव और सरफेस का मतलब पृष्ठ, तो सम विभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विभव का मान क्या हो, समान हो, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा आपका, एक सम विभव पृष्ठ या इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। समझते हैं इसको डायग्राम से, देखो मैंने क्या किया बच्चों, एक चार्ज लिया यहाँ पर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, और मुझे पता है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज से ये जो विद्युत बल रेखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है ये इस तरीके से निकलेगी, और यदि मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को सेम फेज में, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझे, इनका जो लोकस है बिंदुपथ है उनको मैं मिला के एक ऐसा सरफेस बना दूं, तो मेरे पास में एक स्फेरिकल सरफेस आ जाएगा। देखो स्फेरिकल क्यों आएगा, बोर्ड पे तो ये सर्कुलर शेप में दिख रहा है, लेकिन क्या चार्ज बोर्ड पे बैठा है कि ऊपर ऊपर इधर उधर ही फेंकेगा, ये 2D थोड़ी है, 3D चार्ज तो हर तरफ इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, बोर्ड के आगे पीछे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा। यानी यहाँ पर जब आप चारों तरफ से बनाओगे तो आपको एक पूरा का पूरा एक स्फीयर मिलेगा, ये स्फीयर हमने यहाँ पे इसके चारों तरफ बनाया, और हम जानते हैं कि जो स्फीयर है
ये एक तरह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे स्फीयर और भी बन सकते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे जाएंगी और इन्फाइनाइट तक जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जितने ज़्यादा दूरी पर जाएगी उतने बड़े बड़े स्फीयर बनते जाएंगे। हम बोलेंगे हर स्फीयर किसको बता रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता रहा है, और जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकाले, तो हमने क्या किया कि किसी पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज था आपका क्यों, इस पॉइंट चार्ज की तरफ आप चारों तरफ आपने एक सर्किल बनाया, इसी सर्किल को हमने क्या नाम दे दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फेरिकल सरफेस बन रहा है उसके चारों तरफ, वही उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, यही पूछा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, आपको ये बनाना था। ये मैंने दो दो बना रखे, इसमें आपको एक बना के दिखाना था, ऐसे लाइन निकालनी थी और एक गोला बना देना था। और ये अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों है इसको समझो आप, यदि ये चार्ज क्यों है तो मुझे बताओ, इस पॉइंट में मैं यहाँ चार पॉइंट लेता हूँ, ए ये पॉइंट लेता हूँ, बी ये पॉइंट लेता हूँ, सी और ये पॉइंट लेता हूँ डी। ए पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो आर बी की भी आर है, सी की भी आर ही, और डी की भी, हर एक पॉइंट इस चार्ज से समान डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। यदि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ वी ए, तो मुझे बताओ कितना आएगा, के ये वाला चार्ज क्यू और डिस्टेंस कितनी है आर, यानी वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर। आप बी पे निकालो तो वी बी कितनी हो जाएगी वापस, के चार्ज तो वो का वही क्यू और डिस्टेंस भी कितनी है आर। आप सी पे निकालो तो वी सी वापस कितना आना है आपके पास, के क्यू बाई आर, और डी पे निकालोगे तो वापस वी डी कितना आएगा, के क्यू बाई आर। मैं तो चार पॉइंट ले रहा हूँ, हजारों पॉइंट ले लो, हजारों पॉइंट पे निकालो इस सरफेस पर, इस पूरे सरफेस पर जितना भी पोटेंशियल आने वाला है वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आने वाला है, इसलिए ये सरफेस क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले डिफाइन क्या, कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। सेकंड देखो, अ सरफेस एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर निकालो, तो वी बी माइनस वी ए, ए और बी के बीच में निकाला, वी बी कितना है, के क्यू बाई आर, वी ए कितना है, के क्यू बाई आर, कितना आ गया, यानी कोई भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो ऐसा सरफेस जहां पे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो फिर ये क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो आपका वर्क डन भी क्या है, जीरो। तो थर्ड डेफिनेशन, सरफेस एट विच द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट एट दैट सरफेस इज कॉल्ड इज जीरो, देन दैट सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन भी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो दो पॉइंट के बीच में, और हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, वहाँ पर सेम रहेगी। तो ये तरीके से है, हिंदी में आप समझे तो ये ऐसा कह सकते हैं कि किसी समविभव पृष्ठ पे किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि जीरो है, तो वो जो पृष्ठ आपने माना है जिस पे आप उस चार्ज को लेके जा रहे हैं, वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये समविभव पृष्ठ खत्म। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिफाइन हुई है, तो कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज को लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको पहले एक बार लिख लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, आपके क्वेश्चन में तीन से चार प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आती है, मैंने तीन आपके सामने लिखी। पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन नंबर सेकंड के, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ इट इज जीरो, यानी किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, हमेशा जीरो, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो वी बी और वी ए बराबर होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, वर्क डन, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है उस सरफेस पे ही, ऐसा मत समझना कि उस सरफेस से उठा के कहीं दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उस सरफेस से उठा के उसी सरफेस पे वापस कहीं पे लेके जाना है, तो फिर आपका किया गया वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्यू नॉट नीचे ले आऊँ तो वी बी माइनस वी ए बराबर, यही फॉर्मूला बन जाएगा।
और वी बी माइनस वी आपका जीरो है, तो ये पूरा का पूरा वर्कडन क्या हो गया, जीरो। थ्योरी में लिखना चाहो डेफिनेशन नंबर थर्ड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराई वो आप लिख सकते हैं। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने बात की कि ये क्यू चार्ज है, ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जा रहा है बाहर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको बताएगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है बाहर। अब क्या ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए क्या करूँ कि मैं यहाँ पर जैसे कोई चार्ज पड़ा है क्यू, तो इसको यहाँ से उठा के डिस्प्लेस करना चाहूँ बी की तरफ, तो ए से लेके बी तक यदि डिस्प्लेस करूँ तो मैं यहाँ पर डीएल एलिमेंट की बात करूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो मेरा पाथ है इसी की डायरेक्शन की तरफ होगी, और ये यहाँ पर पाथ मैं यदि इस तरीके से ले रहा हूँ तो इसका अभी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, और ये चीज़ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री बनेगा। आप किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे एक टेंजेंट खींचिए तो वो टेंजेंट उस सरफेस पे बाहर निकलने वाली लाइन के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगी। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे ये बाहर निकल रही है तो यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ये हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किस किस के बीच में, ई वैक्टर के बीच में और डी एल वैक्टर के बीच में। चलो माना कि यहाँ पर अभी ये नहीं बन रहा है, हमें नहीं पता कि ये बन रहा है नहीं बन रहा, तो हम क्या करें, फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये फॉर्मूला मैं कहाँ से लाया, आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने आपको बताया वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू ई डिस्प्लेसमेंट, ई डॉट डी एल यहाँ पर। अभी ये क्यू यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको, तो मान लो कि क्यू बराबर वन कूलम है, या इधर नीचे लगा दो लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू बराबर ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लिख सकते हैं ना इस चीज़ से कि W बराबर क्या होता है, क्यू ई डी एल, तो Q नीचे आ गया तो W अपॉन Q बराबर ई डी एल। ये हमने थोड़ी देर पहले जब वो रिलेशन निकाला था वहाँ पे भी ऐसी बात की थी, E और V में रिलेशन, तो W अपॉन Q बराबर E वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर होता है, और W आपका कितना है, ऊपर वाले से पता है ना W जीरो है, और कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि यदि हम इसको खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई डी एल कोस थीटा, और ई डी एल कोस थीटा किसके बराबर है, वर्क के, वर्क कितना है जीरो, यानी ई डी एल कोस थीटा किसके बराबर आ गया, जीरो के, यानी ये ई डी एल तो जीरो हो नहीं सकता, नीचे जाएगा, यानी कोस थीटा बराबर किसके आ गया, जीरो के, और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो ये बता रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल एलिमेंट जो होगा वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सरफेस से हमेशा कैसे जाएगा, हमेशा ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आई कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये कैसे पता पड़ा, वर्क बराबर जीरो से, वर्क बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ई और डी एल जीरो है, इसका मतलब ई डी एल दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ये दो नंबर या एक नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, हो सकता है इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसी में पूछे, हो सकता है अलग से भी पूछ लेके प्रूफ करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके लंबवत होगी या नहीं होगी आप इससे पता लगा सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी होगी हमारे सामने, आगे अपन चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी के द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन एनी वन सरफेस इज सेम बट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझो, मैंने आपको पहले बताया कि चार्ज इसके इस चार्ज क्योंकि चारों तरफ ऐसे स्फेरिकल जो सरफेस है बहुत सारे हो सकते हैं। एक सरफेस मैंने यहाँ पे ए माना है, एक सरफेस मैंने बी माना है, इस पूरे ए सरफेस को मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान सकता हूँ, और इस पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस ए के प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वी ए पूरे पे क्या होगी, वी ए, यानी मैं इसी सरफेस की बात करूँ तो इस पर सारे जितने भी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो ये लाइन क्लियर, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन एनी वन सरफेस इज सेम बट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेस। अब भाई इस पूरे सरफेस पे वी ए वैल्यू है पोटेंशियल की, तो क्या वी ए ये जो हमारा सेकंड सरफेस है क्या सेकंड स्फेरिकल सरफेस पे भी आपके पोटेंशियल की वैल्यू वी ए होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गई,
चार्ज से जैसे डिस्टेंस बढ़ी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी पॉइंट बी पर या स्फेरिकल सरफेस बी पर अब जो पोटेंशियल होंगे वो वी ए से तो हमेशा ही क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन हाँ, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना कितना होगा, वी बी वी बी वी बी के इक्वल होगा। तो यानी अलग अलग सरफेस पे अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अलग अलग पोटेंशियल होता है, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। ऐसा ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का आगे और इफेक्ट देखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर मोर क्राउडेड। क्राउडेड मीन्स ज्यादा संख्या में पास पास में इकट्ठे हो जाएंगे। कौन? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। यदि किसी रीजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की संख्या आपको वहां पे कैसे मिलेगी, ज्यादा मिलेगी और पास पास होंगे। लेकिन देन इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड, यानी वीक फील्ड, ये मैंने एक वीक फील्ड बनाया यहाँ पर, इसमें वीक फील्ड में कोई चार्ज पड़ा, इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर बन रहे हैं वो कैसे हैं, कम क्राउडेड है, संख्या कम है और काफ़ी दूर दूर भी है। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ पर देखिए आप, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की संख्या क्या है, ज़्यादा। तो क्राउडेड कहाँ होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड में होंगे, और कम कहाँ होंगे, वो वीक फील्ड में होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब इसके ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, यदि आपको अच्छे से ध्यान है तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट अभी ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मेन प्रॉपर्टीज थी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन इस पर आता है कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ। तो ये देख लो अब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। अब देखो, मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी तो नहीं बता रहा, अब मैं बता रहा हूँ उसका शेप कैसा होगा, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक सबसे पहला केस लेते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा, तो अभी बताया आपको क्यों ये गोले बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना मत भूलना, इस तरीके से प्लस है तो बाहर और माइनस है तो अंदर। तो ये आपके समझ के आ गया, पॉइंट चार्ज के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनाना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक नंबर का आता। सेकंड बोलता है फॉर लाइन चार्ज, फॉर लाइन, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज का मतलब क्या है, एक पूरी लाइन है यहाँ पे जिस पे चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे बनेंगे, तो भाई एक पॉइंट का तो स्पीयर बने, लाइन आ गई तो सिलेंडर बनेंगे, क्या बनेंगे, सिलेंडर, इस तरीके से। और बना दो, क्या जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा इक्विपोटेंशियल, और लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, इस तरीके से, यहां पर इसके अंदर अंदर चारों तरफ, इस तरीके से। तो ये आपके सामने एक लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो कहते हैं कि लाइन चार्ज के लिए नहीं चाहिए मुझे, तो प्लेन शीट के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, प्लेन शीट, यानी पूरी एक शीट है जिस पर चार्ज है। इसके लिए कैसे बनेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, पैरेलल यूनिफॉर्मली यदि ये डिस्ट्रीब्यूट है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल सरफेस बनेगा इसके जैसा का जैसे ही आगे बन जाएगा, इस तरीके से। तो प्लेन शीट, ये यूनिफॉर्म ऐसा कह सकते हैं, प्लेन शीट के लिए मत कहो, इसको बोल दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बनेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक शीट की फॉर्म में बनते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है, शीट के जैसा होता है, एक के बाद एक ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, आपको ऐसे सरफेस मिलते रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात के ऐसे सरफेस हमें कहाँ मिलेंगे, एक चीज ध्यान से समझो आप, वो जो तीसरा वाला मैंने बताया ना यहाँ पे, ये इनका ही रूप है, यानी वो स्फेरिकल भी हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। अब ये कैसे, अब इस चीज को बड़ा आराम से समझना बेटा, मैं क्या करूँ, इसको बढ़ाता जाता हूँ, ये तो देख लिया आपने, बढ़ाता जाता हूँ, आगे और बढ़ो। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस पे बढ़ाता जाऊंगा, आप देखिए कर्वेचर कम होती जा रही है, या कर्व ज्यादा था या कर्व थोड़ा और कम होगा, ये कर्व जो शेप है इसका, ये कम होता जा रहा है। तो मैं जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाऊंगा तो मेरे को ये जो शेप है ना, ये कर्व बना रहा, ये कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा एकदम सीधा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना मिलेगा, कैसे शेप में मिलेगा, स्पीयर भी आपको एक सीधा मिलेगा, क्योंकि एक स्पीयर की रेडियस इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे ये सीधा मिला। और जब सीधा मिलेगा तो मेरा जो स्पीयर था वो लार्ज डिस्टेंस पे किस फॉर्म में आ गया,
मेरे इस शीट की फॉर्म में आ गया। तो यानी ये जो मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ, ये किसका रूप है? ये स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का रूप है। किस पे? एट लार्ज डिस्टेंस। इसी तरीके से देखिए, सिलेंडर बढ़ाते जाओ तो आगे जाते जाते ये वापस किस फॉर्म में आ जाएगा? एक प्लेन लाइन की फॉर्म में आ जाते हैं, एक प्लेन शीट की फॉर्म में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तीन प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके सामने, दो तीन और हैं जो अपन देख लेते हैं। अब जैसे पॉइंट चार्ज की जगह अपन को एक डाइपोल दे दिया, क्या दे दिया है? डाइपोल। फोर डाइपोल इंपॉर्टेंट है, ये डाइपोल के लिए पूछ लेता है। डाइपोल का मतलब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज। अब ध्यान से समझो, प्लस चार्ज है तो कैसे बनेगा? देखो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड किधर होगा? दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इधर आपके सरफेसेस की जो डिस्टेंस होगी बीच में वो बहुत क्लोज क्लोज होगी, पीछे की तरफ से कैसे हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा पास में बना देना, तो ये एक प्लस और माइनस चार्ज डाइपोल है, इसको आप बनाते जाओ आगे ऐसे। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बीच में ले ली, आप थोड़ा पास में लेना तो आपके इतने गोले बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी गोइंग बना लेंगे। तो ये सामने, और इससे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, इस तरीके से बाहर निकलेगी प्लस से और इसमें अंदर आएगी। ये अंदर आ गई। तो ये देखो बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने बनाया है फॉर डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात करें कि डाइपोल के लिए नीचे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो फिर कैसा बनेगा? तो भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन, एक प्लस और एक दूसरा भी प्लस, तो रिपल्सन है तो इसका मतलब बड़े क्राउडिंग कहाँ होगी? उधर की तरफ। और इधर कैसे आएंगे बड़े बड़े? तो ऐसे। यहाँ तो दूर आएगा, यानी यू पास इधर यू, अरे यार इधर पास बनाना है ना, उधर दूर, और ऐसे बना ले इसको। इसको आप बुक में और बढ़िया से देख सकते थे, इस तरीके का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो बनता है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इधर तो आने से रही, उधर जाएगी, उधर निकलेगी, उधर इस तरीके से बार, बस इतनी ही निकलेगी, उधर भी इधर, आपस में तो जाएगी ना, दोनों ही प्लस है तो ये बाहर निकल जाएगी बस। तो ये इस तरीके का आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा इसके लिए, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब देखो, दो पॉजिटिव चार्ज नहीं हो, दो नेगेटिव हो तो भी सेम ही बनना है, बस ये जो बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ हो जाएगी। तो आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, ई और वी में रिलेशन, साथ ही इक्विपोटेंशियल सरफेस विद प्रॉपर्टीज, विद डायग्राम्स और विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, जो भी आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन तब पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।